हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन इन द स्टडी सेशन. ओ गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक्ट 4 सीन 2 ऑफ मैकबेथ. यप, दिस इज द सेकेंड लास्ट सीन ऑफ एक्ट 4. ओके, बट येट इट्स लिटिल स्मॉल दैन एक्ट 4 सीन 1 एंड एक्ट 4 सीन 3. ओके, एक्ट 4 सीन 3 इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट सीन इन द एंटायर प्ले. इट इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट सीन that we are going to see. Okay, so today we are going to see act 4 scene 2, right guys? Now let's revise and review act 4 scene 1, what we have seen in act 4 scene 1. You all know act 4 scene 1 is also known as three apparition scene. Why it is known as three apparition scene? Because here we have seen three apparitions. Yep, the Who were the three apparitions? The one is a cutted head, एक वो जिसका सिर्फ सिर ही था, कटा हुआ सिर, no body, just the upper head, okay? दूसरा कौन था? एक bloody बच्चा, a bloody child, right? एक bloody बच्चा था जो पूरा खून से smeared था, पूरा खून से सना हुआ था, right? और third था royal child. Now here royal child, who was having a tree in his हैंड, नॉट इज ऑन हैड. ओके, ये बात आप समझेंगे. मैंने लास्ट सीन में कह दिया था कि अ रॉयल चाइल्ड हैविंग अ ट्री ऑन हिज हैड, राइट? इट इज रॉन्ग. ही वॉज नॉट हैविंग ट्री ऑन हिज हैड बट ऑन लाइक इन हिज हैंड. कहाँ था? उसके सिर पर नहीं था, उसके हाथों में था. ओके, जो पेड़ था उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, अपने सिर पर नहीं. तो ये चीज़ आप करेक्ट करेंगे उधर, ठीक है? थर्ड एपरिशन में आप थर्ड जो एपरिशन था रॉयल चाइल्ड, उसके सिर पर पेड़ नहीं था, उसके हाथों में पेड़ था. ओके, सो अ रॉयल चाइल्ड हैविंग अ ट्री इन हिज हैंड, ठीक है? तो ये तीन एपरिशन्स थे. एंड वी हैव ऑल्सो सीन हाउ मच किंग्स, जब 8 किंग्स है ना, हमने 8 किंग्स देखे थे, जिसमें स्ट्रॉट किंग ऑफ स्कॉटलैंड. ओके, देन आपके कौन थे? रॉबर्ट सेकंड एंड रॉबर्ट थर्ड. और 6 रूलर्स थे जिनका नाम क्या था? जेम्स. ठीक है, 6 रूलर्स थे जिनका नाम क्या था? जेम्स. इसके साथ साथ हमने 3 बॉन्डिंग्स को भी देखा था, इसलिए इस सीन को हम 3 बॉन्डिंग सीन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, दोनों नाम लिख लीजिए, 3 एपरिजन सीन एंड 3 बॉन्डिंग सीन, दोनों नाम से हम इसे जानते हैं. तो सबसे पहले बताएंगे कि फर्स्ट बॉन्डिंग क्या थी गाइस. यप, वी अवेयर फ्रॉम मैकटफ. किससे बचकर रहना है आपको? मैकटफ से बचकर रहना है. ठीक है, मैकबेथ से कहा था फर्स्ट एपरिशन ने, ओके, कि आपको मैकबेथ मैकडफ से बचकर रहना है. ठीक है, किससे? मैकडफ. ठीक है, सेकंड जो वार्निंग थी वो क्या थी? कि एक ऐसा बच्चा, ओके, एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी माँ के पेट से जन्म ना लिया हो. समझ पा रहे हैं? अपनी माँ के पेट से नेचुरली जन्म ना लिया हो, वो बच्चा ही तुम्हें मार सकता है. ठीक है, मतलब जो बच्चे नेचुरल तरीके से, मतलब थ्रू द वेजाइना ऑफ द लेडी, थ्रू द वेजाइना ऑफ अ गर्ल निकलते हैं बाय द पुशिंग मेथड, ठीक है, वो बच्चे तुम्हें नहीं मार सकते. जिस बच्चे का जन्म उसकी माँ के पेट फाड़ने के वजह से हुआ है ना, ऑपरेशन से हुआ है, वो बच्चा ही तुम्हें मार सकता है. तो बच्चा कौन है आगे आपको पता चलेगा, मैकटफ ही वही बच्चा है. ठीक है, तो दैट्स वाई जो एपरिशन थे, जो सेकंड लाइक फर्स्ट एपरिशन था, उसने कहा था कि बी अवेयर अबाउट मैकबेथ, मैकटफ, सॉरी. नेक्स्ट थर्ड लाइक बॉन्डिंग क्या थी आपकी? बिरनाम ट्री. दिस इज अ ट्री नेम बिरनाम. बेसिकली एक फॉरेस्ट है पूरा बिरनाम का, ठीक है, बिरनाम एक फॉरेस्ट है जहाँ पर बिरनाम ट्रीज लगते हैं. ठीक है, सीधी सी बात है. जब वो बिरनाम ट्री की रूट्स, जो बिरनाम ट्रीज हैं उनके रूट्स एक हिल जिसका नाम क्या था? ड्यूसिनेन हिल. ठीक है, उस ड्यूसिनेन हिल पर नहीं चढ़ जाएं जब तक उसकी जो रूट्स हैं वो ड्यूसिनेन हिल पर क्लाइंब ना करें, ओके, तब तक तुम्हारी मौत नहीं हो सकती. और जिस दिन ऐसा हो गया, जिस दिन ड्यूसिनेन के ऊपर बिरनाम की रूट्स आ गईं, उस दिन समझ जाओ कि तुम्हारी मौत सर्टेन है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता. ठीक है, तो ये तो हो गई 3 वार्निंग्स, 3 एपरिशन एंड 3
लाइक एंड द सिक्स किंग्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी मोटी मोटी चीज़। अब देखो बॉइलिंग कॉल्ड्रॉन है वहाँ पर, बॉइलिंग कॉल्ड्रॉन में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, है ना, सारे इंग्रेडिएंट्स तो नहीं बता सकता, देयर वर मेनी 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 इंग्रेडिएंट्स, राइट, लाइक आप कह सकते हैं टोड, देयर इज अ टोड्स वेनम, स्लाइस ऑफ अ स्नेक, आउल की आँख, है ना, और चमगादड़ के फर जो होते हैं, ठीक है, चमगादड़ के जो फर होते हैं उनके पंख, इजंट इट, वो कुत्ते की जीभ लाइक डॉग्स टंग, ओके, लेग ऑफ अ लिजार्ड, ये सारे कुछ मैंने कुछ ही आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं जो उसमें पढ़ने हैं। एंड देवर अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक सॉन्ग नेम एज डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि घुमाओ दो दो बार उसे घुमाओ, 12 मीन्स क्या होता है, 12 मीन्स भी प्रॉब्लम होता है एंड ट्रबल मीन्स भी प्रॉब्लम होता है, मीन्स इतना घुमाओ कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए इन सारे इंग्रेडिएंट्स को, जो ये इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, जो इस मटके में इस कॉल्ड्रॉन में इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, इस इंग्रेडिएंट्स को इतनी प्रॉब्लम हो जाए इतना घुमाओ, ठीक है, एंड फायर बर्न एंड कॉल्ड्रॉन बबल, मतलब इसे आग में तापो और कॉल्ड्रॉन में इसे उबलने दो, दिस वॉज द वॉट द स्पेल विच द विच इज़ यूज टू सिंग, राइट, एंड मेकिंग अ मैरी गो राउंड, मतलब एक चक्र बनाकर दे वर गोइंग ऑन, ओके, तो ये तो हो गई हमारी एक्ट फोर सीन वन की बात, ओके, सो जब एक बार और जब लाइक मैकडफ जब उससे कहा था सेकेंड एपरेशन ने कि यू मतलब बिल्कुल ब्रेव रहो, बोल्ड रहो और एरोगेंट रहो, ठीक है, ब्रेव रहो, बोल्ड रहो, एरोगेंट रहो, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं मार सकता, क्योंकि तुम्हें कोई माँ से जना हुआ नहीं मार सकता, है ना, तो ये बात सुन के मैकबेथ बहुत खुश हो जाता है। फिर भी मैकबेथ सोचता है कि फिर भी मुझे डबल प्रिकॉशन ले लेनी चाहिए, फिर भी मुझे मैकडफ को मार देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर फर्स्ट एपरेशन ने मैकडफ से बचने के लिए कहा है तो कुछ ना कुछ बात तो होगी, इजंट इट, तो मुझे मैकडफ से बचकर रहना चाहिए। नेक्स्ट आपने देखे मोर एपरेशंस, बहुत सारे एपरेशंस देखे जिसमें लास्ट में एक बैंक्यो भी था, ठीक है, हु वॉज होल्डिंग अ मिरर, जिसके पास एक मिरर था, ठीक है, तो और उस मिरर में ध्यान से समझेंगे, बैंक्यो था, बैंक्यो के पास मिरर था, और उस मिरर में बैंक्यो के जितने भी डिसेंडेंट्स थे, आगे चलने वाले डिसेंडेंट्स, जैसे कि बात हुई थी विचेस ने कहा था कि बैंक्यो तुम भले ही मैकबेथ से कम लाइक फॉर्चुनेट हो, फिर भी उससे ज़्यादा फॉर्चुनेट हो, पहले का सीन है याद रखो, है ना, तो यहाँ पर जो बैंक्यो है वो अपने ही बेटों को, आने वाले बेटे जो नहीं आ पाए थे अनफॉर्चुनेटली, है ना, फ्लेंस के बेटे, फ्लेंस के जो बेटे हैं, है ना, उनको दिखा रहा था, इट्स मीन वो बता रहा था मैकबेथ को कि तुम्हारे बाद मेरे बेटे और मेरे बेटों के बेटे का राज होगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, है ना, ये सारा आप कह सकते हैं ओवरऑल क्रिस्प मैनर में मैंने आपको पूरी समरी बताई है। सो या नाउ लेट्स गो टू एक्ट फोर सीन टू, अब हम एक्ट फोर सीन टू पे आ गए हैं, ठीक है, इस सीन को हम कहते हैं मोस्ट इमोशनल सीन, बेसिकली सेकंड मोस्ट इमोशनल सीन, फर्स्ट मोस्ट इमोशनल सीन क्या था, एक्ट वन सीन सेवन, ठीक है, क्योंकि उसने डंकन का मर्डर हुआ था और बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में उसका मर्डर हुआ था, आप खुद ही सोचिए डंकन को मैकबेथ पर कितना बिलीव था, और कोई उतना बिलीव वाला मतलब जो इंसान उस पर इतना बिलीव कर रहा है वही इंसान डंकन को मार दे तो कैसा लगेगा, है ना, तो वो हमारा फर्स्ट मोस्ट मिजरेबल और फर्स्ट मोस्ट इमोशनल सीन था, एंड दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इमोशनल सीन। अब यहाँ पर बात अलग है, यहाँ पर आप दो नए कैरेक्टर्स से मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर तैयार हो जाइए, आप दो नए कैरेक्टर्स से मिलेंगे, यहाँ पर आप मिलेंगे मैकडफ के कैसल से, मैकडफ का जो कैसल है जहाँ मैकडफ रहता है, कहाँ रहता है मैकडफ, फाइव में, ठीक है, फाइव इज द होम ऑफ मैकडफ, ठीक है, फाइव में रहता है, फाइव में नाउ यू विल मीट विद लेडी मैकडफ, ध्यान से सुनिए, मैं मैकबेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेडी मैकडफ की बात कर रहा हूँ, मतलब वाइफ ऑफ लेडी, वाइफ ऑफ मैकडफ, मैकडफ की वाइफ
यहाँ पर लेडी मैकटफ है और मैकटफ का बेटा है यहाँ पर, जिसका नाम तो नहीं बताया गया है बट सन करके डिनोट किया गया है। ही इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 ईयर्स ओल्ड। जो बेटा है मैकटफ का वो 10 से 12 साल का है। पर सबसे बुरी बात ये है, मैंने इसे इतना इमोशनल सीन क्यों कहा, ओके एक बार मैं इधर लिख देता हूँ फिर मैं आपको दोबारा से पूरी कहानी बताऊँगा। सेकेंड मोस्ट इमोशनल सीन है ये। क्यों है ये सेकेंड मोस्ट इमोशनल सीन? देखिए, आप पहली बार लेडी मैकटफ से मिल रहे हैं, पहली बार लेडी मैकटफ के बेटे से मिल रहे हैं, मतलब मैकटफ के बेटे से मिल रहे हैं सन से। अब आप पहली और आखिरी बार दोनों बार मिल रहे हैं, क्योंकि इस सीन में उनसे मिलेंगे भी और लास्ट में इस सीन में दो सोल्जर्स आते हैं और दो सोल्जर्स उस बच्चे को, मतलब मैकटफ के बेटे को मार देते हैं, ओके उसको ख़त्म कर देते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ द मोस्ट इमोशनल सीन। और जब आप इस बच्चे की, है ना, मैकटफ के बेटे की बात सुनेंगे ना, जब आप मैकटफ के बेटे की बात सुनेंगे, यू विल श्योरली गॉट सॉफ्ट, आप रोने लगेंगे। इतने इमोशनल तरीके से यहाँ पे शेक्सपियर ने लिखा है कि आप रोने लगेंगे। सीरियसली, दिस हैपेंड टू मी, राइट? सो नेक्स्ट चीज़ क्या है यहाँ पर, मैकटफ का यहाँ पर मर्डर कर दिया है, नहीं सॉरी, मैकटफ यहाँ से भाग गया है ना, क्योंकि मैकबेथ मैकटफ को मारने वाला था। क्यों मारने वाला था? आप सबको पता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एपरिशन, मैकबेथ को कहा गया था कि बचकर रहना है तुम्हें मैकटफ से, ठीक है? तो अब मैकबेथ क्या कर रहा है, मैकटफ को मारने की साजिश कर रहा है। समझ आ रही बात? क्यों? एक बात तो उसने कहा था कि अब मैकटफ को मारने का क्या फ़ायदा, क्योंकि कोई माँ से जना मुझे मार ही नहीं सकता। मैकटफ तो माँ से ही जना होगा, माँ से ही जन्म लिया होगा उसने, तो क्या फ़ायदा मुझे मैकटफ को मारने का? फिर मैकबेथ क्या समझता है कि नहीं, मुझे डबल श्योर हो जाना चाहिए, मुझे मैकटफ को मार देना चाहिए, है ना, फिर भी मुझे श्योरली श्योर हो जाना चाहिए डबल तरीके से। तो इसलिए मैकटफ को मारने के लिए मैकबेथ ने कुछ सोल्जर्स भेजे थे, पर मैकटफ वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर मैकटफ इसलिए भागा, क्यों भागा? अपनी जान बचाने के लिए। बट वो अपने बच्चों, अपनी बीवी को नहीं ले गया, उन्हें स्कॉटलैंड में ही छोड़ गया, इजंट इट? तो यहाँ पर लेडी मैकटफ जो हैं, जो लेडी मैकटफ हैं, मतलब मैकटफ की वाइफ जो हैं, वो क्या करती हैं, वो मैकटफ को बहुत बुरा समझती हैं, उसे एक ट्रेटर समझ रही हैं कि तुम एक गद्दार निकले, तुमने अपनी बीवी और अपने बच्चों का साथ छोड़ दिया। पर मैकटफ को सच में ये नहीं पता है, मतलब मैकटफ तो अपनी जान बचाने के लिए भागा, फिर उसने कहा था कि मैं बाद में आऊँगा और तुम लोगों को ले जाऊँगा, इजंट इट? पर लेडी मैकटफ और उसका बेटा, जो लेडी मैकटफ है, वो समझती है दैट मैकटफ इज़ अ ट्रेटर, उसने अपनी बीवी के संग, अपने बच्चों के संग तक गद्दारी करी है, है ना, क्योंकि उन्हें छोड़ गया है वो। समझ आ रही? तो यहाँ पर मोस्ट इमोशनल सीन इसलिए कहा गया है क्योंकि जो बच्चा है, बॉय है, है ना, बॉय की आप जब बात सुनेंगे तो सच में यू विल फील वेरी लाइक मिजरी अबाउट दैट बॉय, कि इतनी इनोसेंस तरीके से वो बच्चा बात कर रहा है एंड एट द लास्ट उसका मर्डर हो जाता है, इजंट इट? तो ये सारी ओवरऑल कहानी है। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे सीन को, एक्ट फॉर सीन टू को। आई होप आपको इतना क्रिस्प मैनर आपको समझ आया होगा पूरा, ओके ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा था, इट इज़ द मोस्ट इमोशनल सीन, ओके ये सीन कहाँ का है? फाइव का है। एक्ट फॉर सीन टू कहाँ का है? फाइव का है। फाइव एक जगह का नाम है, यू ऑल नो, जहाँ पर मैकटफ का कैसल है, ठीक है, मैकटफ्स कैसल। नाउ एंटर लेडी मैकटफ, मतलब मैकटफ की वाइफ एंड हर सन। सन यहाँ पे कौन है? सन मैकटफ का बेटा ही है, ठीक है, जो कि 7 से 10 साल का है। ये सन कितने साल का है? 7 से 10 साल का एक बच्चा है, ओके 7 to 10 ईयर्स का एक बच्चा है ये, और मैकटफ का बेटा है, isn't it? And Ross also come there. Ross कौन है भाई? Ross is a Than, एक Than है। देखिए जो Ross है वो हमेशा क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि उसे कुछ important बात इधर से उधर पहुँचानी होती है, that's why, है ना। तो Ross क्या है? एक mechanical character है, मतलब इस ये क्या है, एक ऐसा character है जो इधर से उधर एक दूसरे की बात पहुँचाता है, messages पहुँचाता है, है ना। एंड यहाँ पर आपके एंटर करते हैं लेडी मैक
MacTuff and a son who is the son of MacTuff, है ना, who is 7 to 10 years old, and Ross, isn't it? Next, अब हम start करने जा रहे हैं हमारे MacTuff को, Act 2 को, okay? So, Lady MacTuff, she said that, so, Lady MacTuff says, what had he done to make him fly the land? मतलब, अब वो लेडी मैक्टफ जब उसे पता चलता है कि मैक्टफ भाग गया है यहाँ से, है ना, तो लेडी मैक्टफ बहुत ही मतलब एकदम अमेज्ड हो जाती है, एस्टॉनिश्ड हो जाती है, मतलब एकदम भौचक्की हो जाती है, इज़न्ट, समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब असमंजस में पड़ जाती है कि ऐसा क्या हो गया जो मैक्टफ यहाँ से भाग गया, है ना. सो वॉट हैड ही डन टू मेक हिम फ्लाई द लैंड, मतलब उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे उसे स्कॉटलैंड भागना पड़ा, स्कॉटलैंड से भागना पड़ा, है ना. उसने ऐसी क्या चीज़ कर दी जिससे उसे स्कॉटलैंड से भागना पड़ा, फ्लाई द लैंड मतलब स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड से उसे भागना पड़ा, उसने ऐसा क्या कर दिया, isn't it? Then Ross says, you must have patience, madam. मतलब मैम आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा धीरज रखना चाहिए, क्या पता कुछ और रीज़न हो, है ना, क्या पता कुछ और रीज़न हो, वो किस वजह से भागा हो हमें नहीं पता है, तो हमें थोड़ा धीरज रखना चाहिए, क्या पता वो वापस आए और हमें बताए सब कुछ किया मैंने ऐसा क्यों किया था. अब इन्हें तो नहीं पता है, हमें तो पता है ना ये क्यों भागा है, ये इसलिए भागा है जिससे कि ये मैलकॉम से, जो मैलकॉम है, मैलकॉम कौन है भैया, मैलकॉम इज़ द सन ऑफ डंकन, अगर आपको याद हो दो सन थे डोनाल्ड बेन एंड मैलकॉम, मैलकॉम इज़ द किंग ऑफ किम्बललैंड, किसका किंग है, किम्बललैंड का किंग है, इज़न्ट इट. तो जो मैलकॉम है ही इज़ द किंग ऑफ किम्बललैंड, तो अब मैक्टफ उनसे मिलने गया है, किससे, मैलकॉम से, अब मैलकॉम से मिलने गया है, क्यों मिलने गया है, जिससे कि वो एक सेना तैयार कर सकें और मैकबेथ को मार सकें, समझ आ रहा है. सो देखिए आप कैसे बढ़ रहा है सीन, किस तरीके से मैकबेथ की मौत धीरे धीरे कदम बाई कदम आगे बढ़ती जा रही है. ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैक्टफ है वो क्यों भागा, ही फ्लू जिससे कि वो मैलकॉम से मिल सके. मैलकॉम कौन है, किंग डंकन का बेटा, जो कि क्यूम्बललैंड का किंग है ना, क्यूम्बललैंड का किंग है, वो मैलकॉम से इसलिए मिला जिससे कि वो दोनों मिलकर एक सेना तैयार कर सकें. देखो मैक्टफ कौन है, मैक्टफ इज द किंग ऑफ फाइव, वो फाइव का किंग है. मैलकॉम कौन है, क्यूम्बललैंड का किंग है. अब दोनों किंग जब मिलेंगे, अपनी अपनी सेना तैयार करेंगे, तभी तो वॉर के लिए जा पाएंगे, इज़न्ट इट. तो वो दोनों मिलके मैकबेथ को मारना जा रहे हैं, इज़न्ट इट. तो ये चीज़ आपको बहुत डीप में पता चलेगी, आपको ये चीज़ यहाँ पर समझनी चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पर रॉस कह रहा है कि आपको थोड़ा धीरज रखना चाहिए मैडम, क्या बता क्यों भागे हो वो, क्या बता मैक्टफ क्यों भागा हो, कोई रीज़न हो, ऑब्वियसली रीज़न है, बट इन्हें तो नहीं पता है ना. तो यहाँ पर मैक्टफ, लेडी मैक्टफ बहुत बल्गर तरीके से बोलती है, है ना. शी सेड ही हैड नोन his flight was madness, when our actions do not, our fears do not, do make us traitors. He had known का मतलब है कि उसमें patience नहीं था, okay. Ross जब कहता है कि मैम आपको patience रखना चाहिए, क्या पता वो क्यों भागा, तो लेडी मैक्टफ कहती है कि जब उसमें ही patience नहीं था, okay, उसमें तो कोई patience नहीं था, उसने तो धीरज नहीं दिखाया ना, मैं क्यों धीरज दिखाऊं, मैं क्यों पेशेंस रखूं जब उसने ही पेशेंस नहीं दिखाया, ओके. वो पागल था बिल्कुल जो भाग गया, ओके. ही फ्लाइट वॉज मैडनेस, उसकी जो भागना था, वो जो भागा है वो पागल था बिल्कुल, है ना, वो बिल्कुल पागल था जो भाग गया. When our actions do not, our fear do make us traitors, मतलब जब हम कोई काम ऐसा नहीं करते हैं, ओके, जब हम कोई मतलब गंदा काम नहीं करते हैं जिससे हमें ट्रेटर पता चले, ओके, मतलब कहना चाह रही है कि अगर आप ट्रेटर नहीं हैं, अगर आप गद्दार नहीं हैं, फिर भी जो आपके एक्शंस होते हैं, जो आपका काम होता है, वो आपको एक गद्दार बना देता है. बिल्कुल सही बात यहाँ पर इसने कही है. देखो मैक्टफ चुपके से भागा है, ठीक है, किसी को कुछ नहीं बताया. अब लेडी मैक्टफ को तो, लेडी मैक्टफ को तो यही लग रहा है कि मैक्टफ भाग गया है, वो एक गद्दार है, वो अपने बच्चे और अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया है,
isn't it? तो यहाँ पर लेडी मैकबेथ कहती है कि अगर आप एक गद्दार नहीं हैं और फिर भी आप ऐसे भाग जाते हैं तो आपको जो लोग हैं वो गद्दार ही समझेंगे, ओके? अगर आप एक बहुत ही नॉबल पर्सन हैं और अगर आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो आप ज़रूर एक कौन हैं, ट्रेटर हैं। आपको दुनिया कौन समझेगी, ट्रेटर समझेगी। सो यही कहती है, ही हेल्प नॉट हिज फ्लाइट वॉज मैडनेस व्हेन आर एक्शंस डू नॉट आर फियर डू मेक अस ट्रेटर। मतलब जो उसमें बिल्कुल भी पेशेंट नहीं था, ओके? जो मैकबेथ है उसमें बिल्कुल भी पेशेंट नहीं था, वो एकदम से भाग गया, ओके? पागलों की तरह वो भाग गया। और अगर वो गद्दार नहीं है, ओके? अगर वो गद्दार नहीं है तो लोग लोग उसे गद्दारों की तरह ही देखेंगे, भले ही वो गद्दार नहीं है। वो एक बहुत ही नॉवल पर्सन है, यू ऑल नो एंड वी ऑल नो, है ना? ये बहुत ही नॉवल पर्सन है, बहुत ही अच्छा पर्सन है मैकबेथ, है ना? तो भले ही वो एक गद्दार नहीं है पर जिस तरीके से वो भागा है लोग उसे क्या समझेंगे, एक गद्दार ही समझेंगे। जैसे कि मैलकॉम को समझा था जब वो भाग गया था, इज़न्ट इट? जब वो भाग गया था अपनी फादर की डेथ पर, तो लोगों ने उसे क्या समझा कि वही एक ट्रेटर होगा जिसने अपने फादर को मार के और भाग गया होगा, इज़न्ट इट? तो यहाँ पर लेडी मैकबेथ भी काफ़ी सही कह रही है, बिल्कुल सही बात कह रही है कि अगर आप एक गद्दार नहीं हैं, अगर आप कुछ बुरा नहीं करते फिर भी आप भाग जाते हैं, ओके? तो आपके एक्शंस आपको अनाउंस कर देते हैं एक ट्रेटर, समझ आ रहे हैं? देन रॉस सेज, यू नो नॉट वेदर इट वॉज हिज विजडम और हिज फियर। मतलब मैडम आपको नहीं पता, मतलब हम बिल्कुल नहीं जानते कि ये उसका विजडम था, ये उसकी समझदारी थी या ये उसका डर था। मतलब हमें नहीं पता वो क्यों भागा है, क्या वो कुछ सोच कर भागा होगा, कुछ प्लान करने के लिए भागा होगा, है ना? या वो डर के भाग गया होगा मैकबेथ से, हमें नहीं पता, इज़न्ट इट? वो क्यों भागा है, वो डर कर भागा है या वो समझदारी से भागा है, कुछ सोचा है उसने, है ना, इसलिए भागा है, तो हमें नहीं पता। यप, सो आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी, कुछ ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं, बहुत सिंपल सा सीन है ये, है ना? नेक्स्ट लेडी मैकबेथ। अब लेडी मैकबेथ की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीन, मतलब बात आती है यहाँ पर, स्पीच, विजडम टू लीव हिज वाइफ, टू लीव हिज बेब्स, हिज मैश, हिज मेंशन एंड हिज टाइटल्स इन अ प्लेस फ्रॉम वेंस हिमसेल्फ डज फ्लाई। क्या तुम विजडम कहते हो इस चीज़ को? क्योंकि यहाँ पर रॉस ने कहा था ना कि आपको क्या पता वो उसने समझदारी दिखाई या उसका ये बेवकूफ़ी थी, हमें बिल्कुल नहीं पता, है ना? तो लेडी मैकबेथ कहती है क्या समझदारी, अपने बच्चों, अपने बीवी बच्चों को छोड़ जाना समझदारी है, है ना? टू लीव हिज वाइफ, टू लीव हिज बेब्स, बेब्स का मतलब बेबी, जो बॉय है उसका यहाँ पे बात कही है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ जाना कि समझदारी है। हिज मेंशन एंड हिज टाइटल्स इन अ प्लेस, उसके मेंशंस की मतलब होता है उसके जितने भी ग्रेट टाइटल्स हैं, उसका घर है जो, ओके? यहाँ पर मेंशन का मतलब है उसका घर, तो अपने ही घर और अपने ही ग्रेट टाइटल्स, जो ग्रेट जितने भी ग्रेट टाइटल्स हैं। अब यहाँ पे ग्रेट टाइटल्स का मतलब क्या है, देखो ये जो फाइव है ये क्या है, मैकबेथ का प्लेस है, तो सब किसके नाम से जानते हैं, मैकबेथ के नाम से जानते हैं। अब देख एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। आपका ये अपना घर है, है ना, ये दादी वाला जो घर है जहाँ पे आप रहते हो, पापा का घर, तो यहाँ पे आपको किससे जानते हैं, आपके पापा से जानते हैं, इज़न्ट इट? जब भी आप जाएंगे अपने घर से बाहर तो सब यही कहेंगे कि आपको पापा का नाम लेकर कि आप उनके बेटा हो, आप उनकी बेटी हो, इज़न्ट इट? और जब आप नानी घर जाते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि आप, कोई मतलब पापा का नाम लेके नहीं कहता है कि आप उनके बेटा उनकी बेटी, हमेशा मम्मी के नाम से डिनोट होते हो आप, कि आप उन मतलब उन मम्मी के बेटा हो या उनके बेटा हो, मतलब मम्मी के नाम से डिनोट होते हो। तो यही यहाँ पर लेडी मैकबेथ कह रही है कि अपने ही बिलोंगिंग्स को, मतलब जो हम लोग हैं वो उसी की वजह से हैं, हम लोगों की पहचान मैकबेथ की वजह से ही है, है ना? ओके, तो यही लेडी मैकबेथ कह रही है कि कैसी समझदारी है अपने ही घर को, अपने ही बीवी बच्चों को, अपने ही ग्रेट टाइटल्स को, है ना, उस जगह को जहाँ से आप हमेशा जुड़े रहे हो, ओके, अपने ही जगह से भाग जाना कैसी समझदारी है, कैसा विजडम है, मुझे नहीं पता, इज़न्ट इट? तो यही चीज़ कहती है। देन ही लव अस नॉट, ही वॉन्ट्स द नेचुरल टच फॉर द पुअर व्रेन, द मोस्ट डिमाइन्यूटिव
of words will flight her young ones in her nest against the owl. Now here, Lady Macduff says that वो हमें प्यार नहीं करता, मतलब मैकडफ कह रही है कि वो हमें प्यार नहीं करता, उसके अंदर रियल फादर और रियल हस्बैंड की कमी है. मतलब एक जो होता है ना एसेंस रियल फादर और रियल हस्बैंड का, वो फादर जो अपने बच्चों अपनी बीवी को कहीं नहीं छोड़े, कितनी भी मुसीबत आ जाए अपने ऊपर सारी मुसीबत ले ले, है ना, तो वो उस रियल फादर का एसेंस उसमें नहीं है. उस रियल फादर की क्वालिटी, रियल हस्बैंड की क्वालिटी उसमें नहीं है. ही इज़ द फियर एंड नथिंग इज़ द लव एज लिटिल इन द विजडम वे आर द फ्लाइट. सॉरी, ही wants the natural, he wants the natural touch for the poor wren. मतलब उसमें के अंदर natural touch नहीं है father का. Okay, for the poor wren, the most diminutive of birds will flight her young ones in her nest against the owl. Even जो यहाँ पे एक wren नाम की चिड़िया की बात की गई है, okay, even जो सबसे weak and सबसे छोटी चिड़िया wren होती है, there is a small word named wren. Okay, even जो सबसे छोटी और सबसे poor का मतलब है सबसे weak. Okay, सबसे वीक और सबसे छोटी चिड़िया जो होती है वो तक अपने बच्चों को बचाती है आउल से. वो तक एक उल्लू से लड़ जाएगी अपने बच्चों को, अपने बच्चों को बचाने के लिए, है ना. इवन फॉर द पुअर रैन द मोस्ट डायमिनेटिव ऑफ वर्स विल फ्लाइट हर यंग वर्स इन हर नेक्स्ट अगेंस्ट आउल. मतलब आउल के अगेंस्ट एक रैन नाम की चिड़िया, इवन जो रैन है वो आउल से लड़ जाएगी अपने बच्चों को बचाने के लिए, है ना. कहना चाह रही है कि इवन जो एक चिड़िया है वो अपने बच्चों को बचाती है एक उल्लू से लड़कर, है ना. नेक्स्ट, ऑल इज द फियर एंड नथिंग इज द लव एज लिटिल इज द विजडम वेयर द फ्लाइट सो रन्स अगेंस्ट ऑल रीजन. नाउ हियर लेडी मैकडफ सेज जो मैकडफ भागा है ना वो सिर्फ उसका डर है, वो डर की वजह से भागा है, उसके दिल में हमारे लिए कोई प्यार नहीं है. ओके, और अगर वो भागा होता, मतलब और उसका जो भागना था ओके वो भी किसी रीज़न से नहीं हुआ, मतलब किसी रीज़न से नहीं भागा, सिर्फ मैकबेथ से डर कर भागा है, है ना, तो वो बिल्कुल बहादुर नहीं है. उसमें बिल्कुल भी इंटेलिजेंस नाम की चीज़ नहीं है. ओके, उसमें विजडम बिल्कुल भी नहीं है. मतलब यहाँ पे कहना चाह रही है कि क्योंकि मैकडफ हमें छोड़कर अपने बच्चों अपनी बीवी अपने इनहेरिटेंस मतलब अपना घर हर चीज़ को छोड़कर अपने ग्रेट टाइटल्स हर चीज़ को छोड़कर भागा है, तो उसमें बिल्कुल भी विजडम उसमें बिल्कुल भी इंटेलिजेंस नहीं है. ओके, उसमें जो हम समझते थे वो उससे बिल्कुल अपोजिट है. समझ आया. नेक्स्ट रॉस. नाउ रॉस सेज My dearest cause, I pray you school yourself but for your husband. His novel wise judicious and best knowns the fit of the season. I dare not speak much further. Okay. अब रॉस जो है वो कहता है कि my dearest cousin, cause का मतलब है cousin. Now यहाँ पर cousin क्यों कह रहा है रॉस. देखिए यहाँ पर रॉस जो है जो मैकडफ की वाइफ है और रॉस ये दोनों कज़िन और अंकल हैं. जैसे कि मैकबेथ और कौन था डंकन था, जैसे डंकन और मैकबेथ के बीच में अंकल और कज़िन का लाइक रिलेशन था, वैसे ही रॉस और मैकडफ के बीच में अंकल और कज़िन का रिलेशन है. ओके, तो रॉस जो है वो क्या कहता है कि माय डियरेस्ट कज़िन, मेरी प्यारी कज़िन, आई प्रे यू स्कूल योरसेल्फ, मतलब मैं तुमसे प्रे करता हूँ, मैं तुमसे लाइक प्रार्थना करता हूँ, या मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि स्कूल योरसेल्फ का मतलब है अपने आप को कंट्रोल करो. कंट्रोल योरसेल्फ, स्कूल का मतलब है यहाँ पे कंट्रोल योरसेल्फ. ओके, कंट्रोल योरसेल्फ एंड बट फॉर योर हस्बैंड ही इज़ नॉवल वाइज ज्यूडिशियस एंड बेस्ट नोन. मतलब
अपने आप को कंट्रोल करो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। और तुम्हारा जो हस्बैंड है, जो मैकटफ है, वो काफ़ी नॉवल है, ही इज़ वेरी नॉवल, ही इज़ वाइस, मतलब काफ़ी ज़्यादा चालाक है, ही इज़ इंटेलिजेंट, जुडिशियस का मतलब है इंटेलिजेंट, एंड ही इज़ बेस्ट नोन, मीन्स हर सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करता है। ओके, हर सिचुएशन को वो समझता है और अपनी मतलब बुद्धि से, अपने दिमाग से वो बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करता है। ओके, द फिच ऑफ द सीजन आई डे नॉट स्पीक मच फर्दर, मीन्स कहना चाह रही है दैट हो सकता हो ये टाइम कुछ खराब चल रहा हो, टाइम की वजह से उसे यहाँ से जाना पड़ा। द फिट ऑफ द सीजन मतलब क्या पता उसका जाना इस टाइम के लिए, जो ये टाइम चल रहा है इस टाइम के लिए उससे अच्छा हो, मतलब उसने कुछ सोच समझ के ही यहाँ से भागा हो, है ना। तो प्लीज़ मैं तुमसे प्रे करता हूँ, यहाँ पे डेयर का मतलब है आई प्रे दैट प्लीज़ कुछ भी अब ज़्यादा मत बोलो, है ना, स्पीक नो मोर, क्योंकि क्या पता वो किस लिए भागा हो, है ना। नेक्स्ट, बट क्रूअल आर द टाइम्स वेन वी आर ट्रेटर्स एंड डू नॉट नो आवरसेल्व्स, वी वेन वी होल्ड र्यूमर फ्रॉम व्हाट वी फियर येट नो नॉट व्हाट वी फियर बट फ्लोट अपॉन अ वाइल्ड एंड बॉइलिंग सी ईच वे एंड मूव I take my leave of you. Now here he says that कि ये टाइम ही गलत चल रहा है ना, ये एक इतना बुरा टाइम चल रहा है, एक ईवल टाइम चल रहा है जिसमें हम सब ट्रेटर बन चुके हैं, हम सबके ऊपर एक टैग आ चुका है ट्रेटर का। ओके, हम सबके ऊपर एक टैग आ चुका है, मतलब हम सब एक ट्रेटर बन चुके हैं, पर इसके पीछे पर हमें पता नहीं है कि हम ट्रेटर क्यों बने। ओके, और हम इस र्यूमर्स में क्यों बिलीव कर रहे हैं। ओके, एंड डू नॉट नो आवरसेल्फ व्हेन वी होल्ड र्यूमर, मतलब हमें नहीं पता कि हम र्यूमर्स में, ये जो र्यूमर फैल रहा है इसमें हम क्यों बिलीव कर रहे हैं। क्या पता मैकटफ एक ट्रेटर ना हो, क्या पता वो भागा ना हो, क्या पता वो भागा हो तो कोई और पॉजिटिव रीज़न हो, है ना। तो हम इस टाइम में ऐसे फंस चुके हैं, इस बुरे टाइम में ऐसे फंस चुके हैं कि अगर कोई इंसान अच्छा भी कर रहा होगा, कुछ अच्छा सोच के भाग रहा होगा, तो हम फिर भी उसे एक ट्रेटर समझ लेंगे, उस फिर भी उसे एक ट्रेटर का टाइटल दे देंगे, इजंट इट। फ्रॉम व्हाट वी फियर येट नो नॉट व्हाट वी फियर बट फ्लोट अपॉन अ वाइल्ड एंड बॉयलेंट सी, मतलब फिर भी हमें नहीं पता कि हम इतने डरे हुए क्यों हैं, है ना, फिर भी हमें नहीं पता कि हमें क्या चीज़ डरा रही है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि तूफ़ान के समय में जब समुद्र में तूफ़ान आता है, तब जो हमारी बोट्स होती हैं वो फ्लोट करती हैं, वो इस तरीके से टॉस करती हैं ऊपर नीचे। जैसे सपोज़ ये तूफ़ान आ रहा है, तुम्हारी जो बोट है वो ऊपर नीचे इस तरीके से टॉस करेगी, इज़न्ट इट। ये बिल्कुल ऐसा समय चल रहा है जैसे कि समुद्र में तूफ़ान आता है, हमारी बोट्स जो हैं वो उस टाइम पे टॉस कर रही हैं और हमें नहीं पता कि वो टाइम वो चीज़ हमें कहाँ ले जाएगी। ओके, हम कहाँ जाएंगे उस टॉसिंग से, उस तूफान से, हम हमारी बोट कहाँ पहुँचेगी। ओके, और शेल नॉट बी लॉन्ग बट आई बी हेयर अगेन, थिंग्स एट द वर्स विल सीज और एल्स क्लाइम अ वर्ल्ड टू वॉट दे वर बिफोर। नाउ अब मैं जो ये रॉस है वो कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ पर मैं दोबारा आऊँगा और तब या तो चीज़ें बिल्कुल सुधर चुकी होंगी, ओके, या तो चीज़ें बिल्कुल वर्स हो चुकी होंगी, बिल्कुल बर्बाद हो चुकी होंगी, या फिर चीज़ें बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी होंगी जैसे पहले थी। मतलब कहना चाह रहा है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, ओके, शैल नॉट बी लॉन्ग बट आई बी हेयर अगेन, ओके, मैं दोबारा इधर आऊँगा बहुत मतलब थोड़े दिनों बाद, और उस टाइम पे या तो चीज़ें जो हैं वो बिगड़ चुकी होंगी, बिल्कुल वर्स हो चुकी होंगी, या तो वो पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी होंगी। माई प्रिटी कज़िन ब्लेसिंग अपॉन यू, माई प्रिटी कज़िन मतलब यहाँ पे कज़िन किसे कह रहा है, लेडी मैकटफ को, माई प्रिटी मैकटफ, लेडी मैकटफ, माई प्रिटी लेडी, माई गॉर्जियस लेडी, गॉड बी विद यू, आई गिव माई ब्लेसिंग्स टू यू। ओके, मतलब भगवान तुम्हारे साथ रहे, मैं तुम्हें यही ब्लेसिंग्स देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैक रॉस की स्पीच काफ़ी इम्पॉर्टेंट, इज वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर रॉस ने बताया है उस बुरे टाइम के बारे में जो चल रहा है इन स्कॉटलैंड। ठीक है, तो रॉस क्या कहता है,
दोबारा समझेंगे। रॉस कहता है कि प्लीज़ बिना किसी लाइक कंक्लूजन के मैकडफ को दोषी मत ठहराओ। मैकडफ बहुत ही वाइस, बहुत ही समझदार मतलब इंसान है, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से टैकल करता है। ओके तो बिना कंक्लूजन्स के आप उस पर इल्ज़ाम मत लगाइए। क्या पता कोई और रीज़न हो, है ना, कोई और रीज़न हो जिसकी वजह से वो वहाँ से भागा हो, इज़न्ट इट। तो जब तक टाइम सही नहीं हो जाता तब तक आप उस पर इल्ज़ाम मत लगाइए। और ये टाइम बिल्कुल ऐसा है जैसे कि समुद्र में जो तूफ़ान होता है वो बोट को टॉस करते करते कहीं भी पहुंचा देता है। हमें नहीं पता बोट कहाँ जा रही है बट बोट कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही चलने दीजिए जैसे कि तूफ़ान होता है, या तो ये जो तूफ़ान आया है या तो ये सब कुछ बिगाड़ के रख देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा, या फिर पहले की तरह ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप चिंता मत करो, मैं दोबारा आऊँगा और तब जब मैं दोबारा आऊँगा तब या तो चीज़ बिल्कुल सुधर जाएंगी या तो वो बिगड़ जाएंगी। सो भगवान तुम्हारे साथ रहें, मैं यही तुमसे प्रे करता हूँ। ओके, ब्लेसिंग्स अपॉन यू। देन लेडी मैकडफ सेज, फादर फादर्ड ही इज एंड येट ही इज़ फादरलेस। मतलब मैकडफ एक फादर है, उसका एक बेटा है, फिर भी वो फादरलेस है। यहाँ पे ऐसा क्यों कह रही है भाई? ओके, फादर्ड ही इज एंड येट ही इज़ फादरलेस, मतलब मेरा जो बेटा है, ओके मेरा जो बेटा है उसके एक पिता है, उसका एक फादर है, फिर भी वो फादरलेस है। क्यों? क्योंकि बुरे वक्त पर जब उसके ऊपर इतना बुरा वक्त चल रहा है, जब उसके चारों तरफ खतरा है, तब भी उसका पिता उसके साथ नहीं है। ओके तो फादर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो अपने बच्चों अपनी बीवियों के साथ तब तक रहें जब तक उसका बुरा वक्त हो, है ना, बुरे वक्त पे हमेशा संभालें। तो यहाँ पर लेडी मैकडफ यही कह रही है कि हमारा बुरा वक्त चल रहा है फिर भी मैकडफ हमारे पास नहीं है, तो इसलिए मेरा बेटा, मेरे बेटे के पास फादर तो है पर फिर भी उसके पास फादर नहीं है। ठीक है, देन रॉस सेज आई एम सो मच अ फूल शुड आई स्टे लॉन्गर, इट वुड बी माय डिस्ग्रेस एंड माय डिस्कम्फर्ट, आई टेक माय लीव एट वंस। कह रहा है कि अगर मुझे यहाँ ज़्यादा रुका, अगर मैं यहाँ ज़्यादा रुका तो आई विल क्राई। ओके मैं अपने आप को मतलब मैं बहुत रोने लगूंगा, मैं बहुत इमोशनल हो जाऊंगा और बहुत एम्बेरस हो जाऊंगा। क्यों मैं इतना एम्बेरस हो जाऊंगा? क्योंकि जब मैं रोऊंगा तो मैं तुम्हें भी रुला दूंगा, इसलिए मुझे अभी जाना चाहिए। कहना चाह रहा है कि तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे बहुत इमोशनल फील हो रहा है। ओके और मैं रोने लगूंगा, और जब मैं रोऊंगा तो तुम भी रोने लगोगी, और तुम्हें रो जब तुम रोगी तो मुझे बहुत एम्बेरस फील होगा, मुझे बहुत शर्मिंदा फील होगा, इसलिए मुझे अभी जाने दो। और रॉस चला जाता है। देन लेडी मैकडफ, अब लेडी मैकडफ यहाँ पर कहती है, सिरा योर फादर्स डेड एंड व्हाट विल यू डू नाउ, हाउ विल यू लिव। अब यहाँ से आपको समझ आएगा, यहाँ से आपको समझ आएगा कि मैंने मोस्ट इमोशनल, सेकेंड मोस्ट इमोशनल सीन क्यों कहा था। यहाँ से अब लेडी मैकडफ और सन दोनों की बातें होंगी, आप इन दोनों की बातें सुनिए और फिर आप खुद ही बता दीजिए कि हाउ इमोशनल इट इज। ओके, सिरा, सिरा यहाँ पे वर्ड यूज होता है, सिरा वर्ड पहले भी यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है लोअर रैंकिंग सन, सर, जो सर होते हैं, जो लोअर रैंक के होते हैं, मतलब थोड़े नीचे होते हैं किंग से, उन्हें कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रॉस कब जो बेटा है उसे सिरा कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो रॉस का बेटा है, रॉस एक किंग है और रॉस का बेटा थोड़ा लोअर रैंक का है, इज़न्ट, समझना बात को, इसलिए यहाँ पे उसे सिरा कहा गया है। तो सिरा मीन्स सन, यहाँ पे सिरा का मतलब क्या है? सन, बेटे से है। ओके तो कहता है, कहती है इसकी माँ, मतलब सिरा सन, जो सन और मदर के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो लेडी मैकडफ कहती है कि सिरा योर फादर्स डेड एंड व्हाट विल यू डू नाउ, हाउ विल यू लिव। मतलब सन, बेटा तुम्हारे पापा तो मर गए हैं, मतलब क्योंकि वो भाग गए हैं, है ना, तो इसलिए एक्सक्यूज़ दे रही है, इज़न्ट इट, एक्सक्यूज़ दे रही है कि तुम्हारे जो फादर हैं वो तो मर चुके हैं, अब तुम कैसे रहोगे। ओके अब तुम कैसे रहोगे, क्या करोगे तुम, कैसे जियोगे अब तुम। ओके तो बेटा कहता है, एज वर्स टू मदर, जैसे कि पक्षियाँ जीते हैं, मम्मी मैं ऐसे ही जीऊँगा जैसे कि वर्स जीते हैं, जैसे बर्ड्स जीते हैं वैसे ही मैं जीऊँगा। देन लेडी मैकडफ सेज, व्हाट विद वर्म्स एंड फ्लाइज, क्या
क्या कीड़ों मकौड़ों से रहोगे तुम जिंदा, क्या कीड़े मकौड़े खाकर तुम जिंदा रहोगे, है ना। मतलब जब उसके बेटा ने कहा कि जैसे चिड़ियाँ जिंदा रहती हैं बिल्कुल वैसे ही मैं जिंदा रहूँगा, तो लेडी मैकबेथ को ये लगा कि जैसे चिड़ियाँ कीड़े मकौड़े खाती हैं वैसे ही ये भी शायद कीड़े मकौड़े खाने की बात कर रहा है, इज़न्ट इट। देन सन सेज, सॉरी सन सेज, विद व्हाट आई गेट आई मीन एंड सो डू दे, मतलब मैं उस पर जिंदा रहूँगा जो भी मुझे मिलेगा, मतलब जो भी रिसोर्सेज मुझे मिलेंगे बर्ड्स की तरह मैं वैसे ही रहूँगा। जैसे बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स को जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं उसे वो कहीं ना कहीं यूज़ कर लेती हैं अपने पेट भरने में, अपने घर बनाने में। जैसे सपोज उसे छोटी सी लकड़ी मिली तो उससे अपना घर बना लेगी, छोटा सा तिनका मिला तो वो खुद खा लेगी, अपने बच्चों को खिला लेगी, कहीं टूटी हुई रोटी मिले, कुछ भी मतलब ख़राब लिटर, कुछ भी लिटर मिले तो वो अपना यूज़फुल कर लेती है, है ना। तो कितनी मतलब यहाँ पे आप सुनेंगे कि इतना छोटा बच्चा इतनी समझदारी वाली बात कर रहा है ना। जैसे बर्ड्स रहती हैं, जैसे बर्ड्स कुछ भी मतलब लिटर को अपना यूज़फुल बना लेती हैं, वैसे ही मैं भी कुछ भी उल्टे सीधे को अपना यूज़फुल बना के ज़िंदा रहूँगा। विथ वॉट आई गेट आई मीन एंड सो डू दे, मतलब जैसे कि वर्ड्स को कुछ भी मिलता है और वो अपना यूज़फुल कर लेती हैं, वैसे ही मैं भी ऐसे ही यूज़फुल कर लूँगा, ठीक है। देन लेडी मैकबेथ सेज, पुअर वर्ड, दाउज़ नेवर फियर द नेट और लाइन, द पिट फॉल नॉर द गिन, मतलब ए मतलब माई पिटीफुल वर्ड, मतलब मेरा प्यारा वर्ड, यहाँ पे पिटीफुल वर्ड, मेरा पुअर वर्ड किसे कहा गया, अपने बेटे से करिए, मेरे बच्चे क्या तुम्हें डर नहीं लगता, क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा कि कोई भी तुम्हारे लिए नेट बिछाकर, कोई भी तुम्हारे लिए साजिश बिछाकर रखे, कोई भी तुम्हारे लिए स्टिकी लाइन, ओके, कोई भी तुम्हारे लिए स्टिकी लाइन थ्रो कर दे। स्टिकी लाइन क्या होते हैं, एक फ्रूट होता है जो पक्षियों को पकड़ने में मदद करता है, मतलब वो बिछा देते हैं जिससे पक्षियों के पैर पंख चिपक जाते हैं और वो वहीं फंसे रह जाते हैं। तो यही कह रही है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा कि कोई भी तुम्हें नेट, तुम्हारे लिए कोई भी जाल बिछा कर रखेगा, कोई तुम्हारे लिए लाइक स्टिकी स्लाइम बिछा कर रखेगा, ओके। द पिटफुल नॉर द गिन, मतलब फ्रॉम द मतलब कोई भी तुम्हारे लिए गड्ढा करके रखेगा, कोई भी ट्रैप बिछा कर रखेगा, है ना। तो क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी हंटर तुम्हारे लिए पकड़ने के लिए कुछ भी करेगा, है ना। देन सन सेज, व्हाई शुड आई मदर, पुअर वर्ड्स, दे आर नॉट सेट फॉर, माई फादर इज़ नॉट डेड फॉर ऑल यू योर सेइंग, मतलब मुझे क्यों डर लगेगा मम्मा, मुझे डर क्यों लगेगा, ओके। जो हंटर्स होते हैं वो पिटीफुल बर्ड्स को कैच करने की कोशिश नहीं करती, है ना, जो बेकार बर्ड्स होती हैं उन्हें कैच करने की कोशिश नहीं करती। सो मैं फॉर नॉट सेट फॉर, माई फादर इज़ नॉट डेड फॉर ऑल योर सेइंग, मतलब स्टॉप सेइंग मदर, मतलब आप कहना बंद कीजिए मेरे फादर को कुछ नहीं हुआ है, वो नहीं मरे हैं, है ना। यहाँ पर लेडी मैकबेथ जब कहती है ना कि तुम्हारे पापा की डेथ हो चुकी है, तब वो सन जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है, है ना, कि नहीं आप झूठ बोल रही हो, मेरे पापा नहीं मरे हैं। देन लेडी मैकबेथ सेज, यस ही इज़ डेड, हाउ विल्ट दाउ डू फॉर अ फादर नाउ, लेडी मैकबेथ कहती है कि नहीं वो मर चुके हैं, मतलब थोड़े गुस्से से कहती है कि वो मर चुके हैं, ओके, वो तुम्हारे फादर जो हैं वो मर चुके हैं। अच्छा ये बताओ तुम अपने पिता के लिए, तुम अपने फादर के लिए क्या करोगे, हाउ विल्ट दाउ डू फॉर अ फादर, मतलब अपने पिता के लिए तुम क्या करोगे बेटा। तभी सन कहता है ने हाउ विल यू डू फॉर अ हस्बैंड, नहीं वो नहीं मरे हैं, ओके, मतलब वो जवाब देता है कि नहीं वो नहीं मरे हैं, और जैसे आप अपने हस्बैंड के लिए करेंगी वैसे ही मैं अपने फादर के लिए करूँगा, ओके। जैसे आप अपने हस्बैंड के लिए करती हैं, ओके, आप अपने हस्बैंड के लिए क्या करोगी तो वैसे ही मैं अपने फादर के लिए करूँगा। देन लेडी मैकबेथ सेज, व्हाई आई कैन बाय मी 20 एट माई मार्केट, देन जो लेडी मैकबेथ है वो कहती है दैट ओके मैं 20 मोर हस्बैंड्स, 20 मोर हस्बैंड्स अपने लिए मार्केट से खरीद लूँगी, मतलब मैं तो
20 और हस्बैंड्स अपने लिए मार्केट से खरीद लूँगी। देन उसका बेटा कहता है देन यू विल बाय देम टू सेल अगेन मीन्स तो आप उन्हें क्या उन्हें इसलिए खरीदेंगे जिससे कि आप उन्हें दोबारा बेच सकें। मतलब कहना चाह रहा है कि आप मतलब फादर को इसलिए आप और मतलब खरीदेंगी, आप 20 more fathers इसलिए खरीदेंगी जिससे आप उन्हें आगे चल के और बेच सके। इसमें कहने का मतलब ये है कि इसलिए आप मतलब अपने हस्बैंड को खरीदेंगे जिससे कि आप उन्हें दोबारा मरवा सकें, जैसे कि इस बार मेरे फादर की डेथ हुई है वैसे ही आगे चल के आप दोबारा मेरे फादर को मतलब उनकी डेथ करवा सकें। देन सन सेज देन यू विल बाय देम टू सेल अगेन, मतलब आप उन्हें इसलिए खरीदेंगे जिससे कि आप दोबारा उन्हें मरवा सकें, इजंट इट। देन लेडी मैकडफ सेज दाउ स्पीकेस्ट विद ऑल thy bitch and yet in fate with wit enough for thee। देन लेडी मैकडफ कहती है कि तुम बिल्कुल बहुत इंटेलिजेंस तरीके से, जितने भी तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंस है तुम अपने हर इंटेलिजेंट पावर को यूज़ करके बोलते हो, मतलब तुम बहुत ही अच्छी तरीके से बोलते हो, येट ये जो इंटेलिजेंस है इज़ इनफ फॉर योर एज, ओके इट इज़ विद विट इनफ फॉर दी, मतलब जितनी भी तुम इंटेलिजेंस है तुम्हारे अंदर वो तुम्हारी उम्र के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया है। जैसे कि 10-12 साल का बच्चा है और वो इतनी इनोसेंट तरीके से बोल रहा है कि अगर आप 20 फादर खरीदेंगी तो क्यों इसलिए खरीदेंगी जिससे कि आप दोबारा उन्हें मरवा सकें। समझ पा रहे हैं आप, ये कहना चाह रहा है कि जैसे हमारे फादर अभी उनकी डेथ हो गई, इजंट इट, इसलिए अगर आप 20 और फादर खरीदेंगी तो जो दुश्मन है वो दोबारा 20 और फादर्स को मार देगा, इजंट इट, तो इसलिए आप दोबारा फादर खरीद रही जिससे कि आप दोबारा उसे उन्हें मरवा सकें। देन लेडी मैकडफ सेज दैट कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो बेटा, ओके तुम्हारी जो इंटेलिजेंस है वो तुम्हारे उम्र के हिसाब से काफ़ी सही है, ओके यू आर हैविंग द इनफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू योर एज। देन सन सेज वॉज माई फादर अ ट्रेटर मदर, क्या मेरे पिता एक गद्दार थे मम्मी, क्या मेरे फादर जो हैं वो एक गद्दार थे। देन लेडी मैकडफ सेज हाँ वो एक गद्दार थे, ए दैट ही वॉज, यस वो एक ट्रेटर थे, वो एक गद्दार थे। देन सन सेज वॉट इज़ अ ट्रेटर, कि गद्दार क्या होता है मम्मी, वॉट इज दिस ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब क्या होता है, मतलब उस बच्चे के सामने ऐसी बातें हो रही हैं जिस बच्चे को ट्रेटर का मतलब ही नहीं पता। आप खुद सोच सकते हैं 10-12 साल का बच्चा क्या जानता होगा, है ना। तो यहाँ पर सन कहता है कि ट्रेटर क्या होता है, गद्दार क्या होता है। देन लेडी मैकडफ बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत ही नाइसली आंसर करती है इस चीज़ का। देखो वो गद्दार का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताती है, बट या शी सेड वाई वन दैट स्वेयर्स एंड लाइज, मतलब गद्दार वो होता है जो अपन जो प्रॉमिस करे और फिर उस प्रॉमिस को तोड़ दे। समझ पा रहे हैं, वो कह रही है कि गद्दार वो होते हैं जो प्रॉमिस करे और प्रॉमिस को तोड़ दे। जैसे कि तुम्हारे फादर थे, तुम्हारे फादर ने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, हमेशा अपने बच्चे के साथ रहेंगे, पर उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और वो यहाँ से भाग गए, इजंट इट। तो वो एक गद्दार थे, क्यों गद्दार थे, क्योंकि उन्होंने हमारा प्रॉमिस तोड़ा, ठीक है। देन लेडी मैकडफ सेज एवरीवन दैट डज सो इज अ ट्रेटर एंड मस्ट बी हैंग्ड। नाउ लेडी मैकडफ सेज सॉरी सन सेज एंड बी ऑल ट्रेटर्स दैट डू सो, क्या सारे ट्रेटर्स ऐसा करते हैं, लेडी मतलब जो सन है वो कह रहा है कि क्या सारे ट्रेटर्स जो हैं वो ऐसा ही करते हैं, ओके वो सारे ट्रेटर्स क्या प्रॉमिस करते हैं और फिर तोड़ देते हैं, क्या सारे वो ट्रेटर्स हैं जो प्रॉमिस करते हैं तोड़ देते हैं, ओके। देन लेडी मैकडफ सेज एवरीवन दैट डज सो इज़ अ ट्रेटर एंड मस्ट बी हैंग्ड, मतलब जो भी ऐसा करे वो एक ट्रेटर है, जो भी प्रॉमिस करे और फिर उसे तोड़ दे वो एक ट्रेटर है, फिर उसे फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। मतलब ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए जो एक बार प्रॉमिस करें और फिर तोड़ दे, ओके। तो यहाँ पे लेडी मैकडफ से बहुत गुस्सा है, भले ही उसे रीज़न नहीं पता है वो क्यों गया है, पर फिर भी वो बहुत गुस्सा है और कहती है कि जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग गद्दारी करते हैं, अपना प्रॉमिस तोड़ते हैं, उन्हें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। देन सन सेज एंड मस्ट दे ऑल बी हैंग्ड दैट स्वेयर एंड लाई, और फिर तो उन सारे लोगों को चढ़ा देना चाहिए जिन्होंने प्रॉमिस को तोड़ा है, ओके उन सारे लोगों को, वो सारे लोग
को फांसी चढ़ा देनी चाहिए जिन्होंने भी प्रॉमिस को तोड़ा है। देन लेडी मैकबेथ सेज एवरीवन सबको, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, सबको चढ़ा देना चाहिए। देन सन सेज हु मस्ट हैंग देम, फिर बहुत ही ब्यूटीफुली फिर से क्वेश्चन कर रहा है कि अच्छा मदर जो गद्दारी करता है उसे चढ़ा देना चाहिए फांसी, फिर ये तो बताओ कि चढ़ाएगा कौन फांसी पर, है ना, क्योंकि गद्दारी तो सभी करते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं ना बिल्कुल प्योर और बिल्कुल सेक्रेट, नो वन इज देयर, कोई ना कोई थोड़ा सा ट्रेटर होता ही है ना, थोड़ा सा ट्रेटर होता ही अपने जीवन में कहीं ना कहीं, इवन छोटा बच्चा तक अपनी चीज़ छुपा कर रख देता है, वो भी एक ट्रेटर का काम कर रहा है ना, वो भी एक गद्दार का काम कर रहा है। तो जो ये सन है वो कहता है फिर तो इन्हें टांगेगा कौन, इन्हें हैंग कौन करेगा, इन्हें फांसी पर कौन चढ़ाएगा। देन लेडी मैकबेथ सेज वाय द ऑनेस्ट मैन, वो बंदा जो सबसे ऑनेस्ट हो, जिसने कभी भी किसी के संग गद्दारी ना करी हो, बिल्कुल ऑनेस्ट और बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हार्ट का पर्सन। देन सन सेज देन द लायर्स एंड स्वेयर्स आर फूल्स for their lies and swears in no to beat the honest man and hang up them। okay, यहाँ पे जो बेटा है छोटा सा बच्चा है वो बहुत ही ridiculous way में कहता है कि फिर तो यार liars और swears जो हैं जो भी मतलब गद्दार हैं जो भी झूठ बोलते हैं जो भी promise तोड़ते हैं फिर वो तो पागल हैं, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया में इतने सारे गद्दार हैं इतने सारे झूठ बोलने वाले हैं कि जो सच बोलते हैं जो सच बोलते हैं वो कम हैं, isn't it? तो जितने भी गद्दार हैं वो अगर आप मिल जाएं तो वो इनफ होंगे, है ना, वो पर्याप्त होंगे, वो इनफ होंगे जो सच्चे हैं जो ऑनेस्ट मैन हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते उन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए। मतलब कहना चाह रहे जब उसकी मदर ने कहा कि जो सच बोलते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते वो लोग अपॉइंट होने चाहिए इन गद्दार लोगों को फांसी पर चढ़ाने के लिए, तो उसका बेटा कहता है कि मम्मी इतने सारे गद्दार लोग हैं कि जो अच्छे लोग हैं वो तो कम पड़ जाएंगे और गद्दार लोग ज़्यादा पड़ जाएंगे, तो गद्दार लोग इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि अच्छे लोगों को ही उल्टा फांसी पर चढ़ा देंगे, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा प्रिडोमिनेंट हो जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, isn't it? तो जो गद्दार लोग हैं वो इतने ज़्यादा हैं अच्छे लोग इतने कम हैं, तो ऐसे तो गद्दार लोग अच्छे लोगों को फांसी पर उल्टा चढ़ा देंगे क्योंकि वो इतने ज़्यादा हैं उनकी पावर बहुत हाई है, है ना। ओके नाउ लेडी मैकबेथ सेज नाउ गुड हेल्प दी पुअर मंकी बट हाउ विल दाउ डू फॉर अ फादर। अब वो हंसती है और कहती है तो भगवान तुम्हारी मदद करेंगे मेरे छोटे बंदर, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। ओके फिर वो सैड हो जाती है और फिर वो दोबारा क्वेश्चन पूछती है कि तुम अपने फादर के लिए क्या करोगे बेटा, तुम अपने पिता के लिए क्या करोगे। ओके वो दोबारा यही क्वेश्चन पूछ रही है, क्यों पूछ रही है बार बार क्वेश्चन, जिससे कि जो बेटा है उसका वो जवाब दे सके, वो मतलब उसके दिमाग में ये चीज़ भर जाए कि मुझे अपने पापा के लिए कुछ करना है, मुझे अपने पापा का बदला लेना है मैकबेथ से, मुझे अपने पापा का बदला लेना है ना। जब भी हम बच्चे से बार बार एक ही चीज़ कहते हैं तो उसके दिमाग में भर जाती है, उसके दिमाग में फीड हो जाती है, ये आप सबको पता है। तो यही इसीलिए जो लेडी मैकबेथ है वो बार बार कह रही है जैसे कि जो सन है उसके दिमाग में ये चीज़ भर सके और सेटल डाउन हो सके, जिससे कि वो आगे चल के अपने पिता का बदला ले सके। देन मैकबेथ सेज दैट ओके लेडी मैकबेथ यही कहती है कि अपने पिता के लिए तुम क्या करोगे बेटा। देन सन जो है वो कहता है इफ ही वर डेड आई वुड पीप फॉर हिम, इफ यू वुड नॉट इट वर अ गुड साइन दैट आई शुड क्विकली हैव अ न्यू फादर। मतलब अगर वो मर गए होंगे अगर वो मर गए होंगे मामा, इफ ही वर डेड यू विल पीप फॉर हिम, मतलब अगर वो मर गए होंगे तो आप उनके लिए रोगी। अगर मेरे फादर की डेथ हो गई है और अगर आप रोइंग, अगर वो मर गए हैं तो आप उनके लिए रोगी, और अगर आप उनके लिए नहीं रोगी तो ये बहुत अच्छा साइन है। देखो बहुत ही ये सटायर वे में यहाँ पे बात कही जा रही है, ध्यान से समझेंगे कि अगर मेरे फादर मर गए होंगे तो आप उनके लिए रोगी, सीधी सी बात है। अगर आप उनके लिए नहीं रोई तो ये बहुत अच्छी बात होगी, एक गुड साइन होगा, क्योंकि जल्द ही हमारे पास एक नए फादर आने वाले हैं। मतलब कहना चाह रहा है कि अगर आप नहीं रोई तो आपको कोई दुखी नहीं है फादर के जाने का,
तो आप जल्दी से नई शादी कर लेंगी, और जब आप नई शादी कर लोगी तो हमारे नए पिता, हमारे नए फादर और आपके नए हस्बैंड आ जाएंगे, ठीक है। देन आई शुड क्विकली हैव अ न्यू फादर, मतलब फिर तो मेरे पास नए फादर होंगे, जल्द ही नए फादर होंगे। देखो क्रिश्चियनिटी में या इंग्लिश मैंस में यही होता, इंग्लिश मैन में यही होता है, इंग्लिश पर्सन में, कि अगर एक मर जाता है तो जल्दी से दोबारा शादी कर ली जाती है, इज़न्ट इट। तो यही जो बेटा है वो कहता है कि अगर आप रोइंग, ओके, अगर उनके मरने पर आप रोइंग, तो अगर आप रोइंग उनके मरने पे, तो वो मर गए हैं, तो समझ लो वो मर गए हैं। और अगर आप नहीं रोई उनके मरने पे, तो ये बहुत अच्छा निशानी है, एक बहुत अच्छी साइन है, बहुत अच्छा साइन है ये, क्योंकि मुझे जल्द ही एक नए फादर मिलने वाले हैं, क्योंकि आप जल्द ही एक नई शादी कर लेंगी, क्योंकि आपको दुखी नहीं होगा इनके जाने का, आपको मैकटफ के जाने का दुखी नहीं होगा, इज़न्ट इट। समझ आ रहे हैं? तो ये बात काफ़ी सटायर वे में शेक्सपियर ने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट, लेडी मैकडफ सेज, पुअर प्रैटलर हाउ दाउ टॉक, मतलब मेरे प्यारे बातूनी बच्चे, मतलब माई पुअर चैटलर, जो हमेशा बोलता रहता हो, चिट चैटर, ओके, मेरे इनोसेंट बातूनी बच्चे, तुम ऐसी बातें लाते कहाँ से हो, तुम ऐसे कैसे बोल लेते हो, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतनी समझदार वाली चीज़ें तुम कैसे बोल लेते हो। मैसेंजर आ जाता है और फिर मैसेंजर कहता है, ब्लेस यू फियर डैम, आई एम नॉट टू यू नो, दो इन योर स्टेट ऑफ ऑनर आई एम परफेक्ट, आई डाउट सम डेंजर डज अप्रोच यू नियरली, इफ यू विल टेक अ ऑनरली मैन होम, इफ यू टेक अ होमनली मैनस एडवाइस, बी नॉट फाउट हेयर हैंड्स विद योर लिटिल वंस to fight you thou thus men me thinks I am too savage to do worse to you woeful cruelty which is too high your person heaven preserve you ajay abide no longer। अब एक मैसेंजर है, वो बात करता है कि bless you fair dam, मतलब भगवान आपकी रक्षा करे, fair lady, भगवान आपकी रक्षा करे, I am not to you known though इन योर स्टेज ऑफ ऑनर आई एम परफेक्ट, मतलब मुझे नहीं पता पर मुझे ऐसा लग रहा है जैट दैट आप, मतलब मुझे पूरी जानकारी है, आई नो एवरी थिंग अबाउट योर पोजिशन, अबाउट योर रेपूटेशन, अबाउट योर रैंक, आपकी रेपूटेशन, आपकी रिस्पेक्ट के बारे में मुझे पूरी जानकारी है, दो इन योर स्टेज ऑफ ऑनर आई एम परफेक्ट, ओके, मुझे पूरी तरीके से जानकारी है आपके ऑनर के बारे में, आपकी रेपुटेशन, आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट कितनी है, मुझे सब पता है, ओके, आई डाउट सम डेंजर डज अप्रोच यू नियरली, फिर भी मुझे बहुत, मतलब डाउट हो रहा है, मुझे बहुत संदेह हो रहा है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, ओके, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, ओके, इफ यू विल टेक अ होमली मैनस एडवाइस, बी नॉट फाउंड हेयर Hence with your little ones, मतलब अगर आप एक नॉर्मल मैन, एक कॉमन मैन, एक नॉबल मैन या एक कॉमन मैन की एडवाइस लेना लें, तो आप यहाँ से भाग जाइए, ओके, आप यहाँ से चले जाइए अपने छोटे बच्चे को लेकर, कहना चाह रहे हैं कि अपने चाइल्ड को लेकर, अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाइए, मुझे लग रहा है कोई मुसीबत आप पर आने वाली है, ओके, To fright you thus, me think I am too savage. To do worse to you will overfell cruelty, which is too nigh your person. Heaven preserve you, I dare abide no longer. Now he said, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं आपको इस तरीके से डरा रहा हूँ, तो मैं बहुत ही पागल हूँ, मैं पागल हूँ जो आपको इस तरीके से डरा रहा हूँ, पर जो चीज़ आने वाली है, ओके, जो चीज़ आपके पास आने वाली है वो इससे भी ज़्यादा क्रूअल है, मतलब जिस तरीके से मैं आपको डरा रहा हूँ, मैं बहुत ही क्रूअल हूँ, है ना, मैं बहुत ही बुरा पर्सन हूँ, मैं आपको इस तरीके से डरा रहा हूँ। ऑब्वियसली आप किसी भी पर्सन से जिसका हस्बैंड नहीं हो, है ना, वो अकेली हो, आप किसी भी लेडी से ऐसे कहते हैं कोई आने वाला है, आप जल्दी भाग जाइए, तो आप उसे डरा रहे हैं, है ना। तो जो मैसेंजर है वो कह रहा है कि मैं आपको इस तरीके से डरा रहा हूँ, मैं बहुत ही पागल पर्सन हूँ,
पर जो चीज़ आपके पास आने वाली है, जो डेंजर आने वाला है आपके पास, वो बहुत ज़्यादा डरावना है, वो बहुत ही क्रूअल है, ओके? वो जो मैं बता रहा हूँ उससे भी ज़्यादा वर्स है, तो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, ओके? हेवन प्रिजर्व यू, आई डेयर अबाइड नो लॉन्गर, मतलब भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपकी मदद करे। हेवन प्रिजर्व यू का मतलब है भगवान आपकी रक्षा करे। आई डेयर अबाइड नो लॉन्गर, मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज़ आप यहाँ रहने की कोशिश मत कीजिए, यहाँ ज़्यादा देर रहने की मतलब कोशिश मत कीजिए। और मैसेंजर यहाँ से चला जाता है, ओके? मतलब मैसेंजर यहाँ पे इसलिए आया था जिससे कि वो लेडी मैकबेथ को बता सके कि मैकबेथ आ रहा है अपने सोल्जर्स को लेकर, ओके? मारने के लिए कुछ सोल्जर्स आ रहे हैं जो लेडी मैकबेथ को मारने और उसके बच्चे को मारने आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमने प्रीवियस सीन में देखा था मैकबेथ लेडी मैकबेथ और सॉरी मैकबेथ लेडी मैकबेथ और उसके बेटे को मारने के लिए, आफ्टर मैकबेथ लेडी मैकबेथ और उसके बेटे को भी मारने जाएगा, तो उसने कुछ सोल्जर्स भेजे हैं, वो सोल्जर्स आ रहे हैं, इसलिए ये मैसेंजर उन्हें इन्फॉर्म करने आया था कि आप यहाँ से जल्द भाग जाइए क्योंकि कुछ बहुत ख़तरनाक दुश्मन आपके पास आ रहे हैं। समझ आई? आई होप ये मैसेंजर की बात आपको क्लियर होगी, ओके? नेक्स्ट, लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ सेज, विदर शुड आई फ्लाई, आई हैव डन नो हार्म, बट आई रिमेंबर नाउ I'm in the earthly world where to do harm is often laudable, to do good sometime accounted dangerous foully. मतलब मैं कहाँ जाऊँ, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, मतलब मैंने कुछ गलत किया नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ? पर मुझे एक चीज़ समझ आ गई इस धरती पर, एक चीज़ मुझे यहाँ पर एक धरती पर समझ आ गई है कि अगर आपने कुछ नहीं किया है, अगर आपने कुछ evil चीज़ की है, कुछ बुरी चीज़ करी है, तो भगवान भी और बाकी सब लोग भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेज करेंगे, बाकी सब लोग भी आपकी तारीफ करेंगे, आपको मतलब हेल करेंगे, आपकी शाबाशी करेंगे, ओके? और अगर आपने कुछ बहुत अच्छा किया है तो लोग आपको बहुत फुलिश समझेंगे, एक ब्लंडर समझेंगे कि आपने क्या ब्लंडर कर दिया है। मतलब इस धरती पर सब कुछ उल्टा है, आप अगर अच्छा करेंगे तो लोग बुरा समझेंगे, आपको मार डालेंगे, और अगर आप बुरा करेंगे तो लोग कुछ नहीं कहेगा। जैसे मैकबेथ है, मैकबेथ लोगों के संग बुरा कर रहा है, तो देखो वो अभी तक जिंदा है, इज़न्ट इट? और जो लोग अच्छा कर रहे हैं लाइक ऑफ डंकन, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लाइक ऑफ मैकबेथ, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसकी देखो मौत हो रही है। देखो बैंक्यो, जो हमेशा मैकबेथ के साथ रहा, कभी मैकबेथ का साथ नहीं छोड़ा जिसने, उसकी मौत हो गई, किसकी वजह से? मैकबेथ की वजह से। तो यहाँ पर मैकबेथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, और ये बात हमें भी होनी चाहिए, हमें भी पता होनी चाहिए कि जो लोग अच्छा करते हैं लोग उसी के दुश्मन होते हैं, और जो लोग बुरा करते हैं लोग उससे दबकर रहते हैं। या दिस इज़ द अटमोस्ट ट्रुथ नॉट ऑफ दिस प्ले बट दिस इज़ द अटमोस्ट ट्रुथ ऑफ दिस कलयुग, राइट? दिस इज़ द अटमोस्ट ट्रुथ ऑफ दिस कलयुग एरा। As you know, this is the Kali era, and you know this is the utmost truth. कि अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छे में भी लोग आपकी बुराई ही सोच लेंगे, अगर आप कुछ बुरा करेंगे तो उस बुराई में भी लोग कुछ नहीं कहेंगे आपको। ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे शेक्सपियर ने लिखी है, दैट अगर आप कितने भी अच्छे पर्सन हो, कितने भी अच्छी चीज़ करें, है ना, तो लोग आपको ईविल ही समझेंगे, बुरा ही समझेंगे, और जो लोग बुरा करते हैं उन्हें बहुत अच्छा समझेंगे, ओके? देन वाई Then alas, do I put up that womanly defense to say I have done no harm? फिर मैं ये विमेन की तरह क्यों कहूँ कि मैं सीधी हूँ, ओके? मैं इनोसेंट हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। मैं अपने आप को वुमेनिश तरीके से क्यों बचाऊँ? जैसे विमेन होती हैं, एक वूमन हुई, वो देखो जब भी कोई मुसीबत आएगी तो वो रोने लगेगी कि मुझे छोड़ दो, मतलब काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड होती है वुमेन, जो हमेशा इमोशनल हो जाएगी, रोने लगेगी, जो इंसान कहेगा वो करने लगेगी। तो यहाँ पर लेडी मैकबेथ बहुत ही अच्छी बात कह रही है कि मैं एक वुमेन की तरह कमज़ोर क्यों बनूँ, ओके? मैं एक वुमेनिस्ट डिफेंस क्यों लूँ? मतलब जैसे वुमेन अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर जोड़ती हैं, है ना, सिर पटकती हैं, कहीं कुछ करती हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, है ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। टू से आई हैव डन नो हार्म, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, आई एम इनोसेंट, तो मैं ये
इस वुमेन की तरह क्यों बचूं, मैं वुमेन की तरह क्यों रोऊं, क्यों गिड़गिड़ाऊं लोगों के सामने, नहीं मैं नहीं गिड़गिड़ाऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी। और इतनी देर में ही मर्डरर्स आ जाते हैं, एंटर मर्डरर्स, मर्डरर्स आ जाते हैं। एंड लेडी मैकडफ कहती है, व्हाट आर दीज फेसेस, ये कौन आ रहे हैं, ये कौन आ रहे हैं, ये किनके चेहरे हैं, ओके, हु आर दे मैन, ये कौन आदमी है। देन फर्स्ट मर्डरर जो है वो कहता है, वेयर इज योर हस्बैंड, तुम्हारा हस्बैंड किधर है, ओके। देन मैकडफ, लेडी मैकडफ सेज, आई होप इन नो प्लेस नो अनसेटिफाइड वेयर सच एज दाउ मेस्ट फाइंड हिम। मतलब कहना चाह रही है कि मैं आशा करती हूँ कि मेरा हस्बैंड इतनी अनहोली, अनसेक्टिफाइड का मतलब है, सेंक्टिफाइड का मतलब है अनहोली जगह, मतलब इतनी अशुद्ध और अनप्योर जगह पे, अनहोली जगह पर, अनप्योर जगह पर ना छुपा हो, जहाँ पे तुम जैसे बदमाश, तुम जैसे नेस्टी लोग उसे ढूंढ ले। कहना चाह रही है कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि मेरा हस्बैंड जो है वो इतनी गंदी जगह पर और इतनी अनहोली, इतनी अपवित्र जगह पे ना छुपा हो, जहाँ पे तुम जैसे लोग, तुम जैसे गंदे दिल वाले, गंदी सोच वाले लोग उसे ढूंढ पाओ, है ना। देन फर्स्ट मर्डरर सीज, फर्स्ट मर्डर कहता है, ही इज़ अ ट्रेटर, वो एक गद्दार है। देन सन सेज, इतनी देर में ही वो छोटा सा बच्चा जो 10-11 साल का है वो बोल पड़ता है, दाउ लाइस्ट, दाउ शैग हेयरेस्ट विलेन, कह रहा है तुम झूठ बोल रहे हो, यू शैग्ड हेयर्ड विलेन, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, बालों वाले, मतलब ही इज हैविंग द हेयर ऑन लाइक ऑन हिज ईयर, उसके कान में काफ़ी सारे बाल हैं, तो वो कहता है कि तुम कान में बाल वाले लोग गंदे बोल रहे हो, तुम कान में बाल वाले लोग मतलब झूठ बोल रहे हो, ओके। दाउ लाइस्ट, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, दाउ शैग हेयर्ड विलेन, मतलब जिसके कान में बाल हो, हेयर्स ऑन हिज उसके कान में क्या है, बाल हैं, ओके। तो कहता है कि तुम कान में बाल वाले लोग, जिसके कानों में बाल हैं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, यू विलेंस। देन फर्स्ट मर्डरर सेज, व्हाट यू हैग, दैट जो फर्स्ट मर्डरर है वो क्या कहता है, व्हाट यू हैग मींस, ये कौन छोटा बच्चा है, एग का मतलब है द स्मॉल चाइल्ड, मतलब बॉय से कहा जा रहा है यहाँ पे, ये किसका बच्चा है, क्या लेडी, क्या मैकडफ का बेटा है ये, के क्या एक ट्रेटर का बेटा है, मतलब क्या ये एक ट्रेटर का बेटा है। देन स्टैबिंग हिम, मतलब उसके पेट में, उस छोटे से बच्चे के पेट में चाकू घुसेड़ दिया जाता है, वो जो फर्स्ट मर्डरर है वो छोटे से बच्चे के पेट में चाकू मार देते हैं, उसे मार डालते हैं। तभी फर्स्ट मर्डरर कहता है, यंग फ्राई ऑफ ट्रेचरी, मतलब उस ट्रेचरी का, मतलब उस ट्रेटर का, उस ट्रेटर मैकडफ का छोटा बच्चा अब नहीं रहा, अब मर चुका है। इतनी देर में ही जो बेटा है वो कहता है, ही हैज किल्ड मी मदर, रन अवे आई प्रे यू, कहता है कि मम्मी इन्होंने मुझे मार दिया है, प्लीज आप यहाँ से भागिए, प्लीज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ से भागिए, इन्होंने मुझे मार दिया है। और वो बच्चा जो है वो मर जाता है। लेडी मैक डफ रोती रोती भाग जाती है, जो मर्डरर्स हैं वो भी लेडी मैकडफ के पीछे पीछे भाग जाती हैं उसे पकड़ने के लिए, ठीक है। तो यही था हमारा एक्ट फॉर सीन टू, नाउ वी आर गोइंग टू सी एक्ट फॉर सीन थ्री वेरी सून। सो थैंक यू गाइस, एंड दिस वाज सच एन इमोशनल सीन, आई होप आपको, मैंने थोड़ा हंसकर बताया इसलिए आपको नहीं लगा होगा, पर आप जब अपने आप पढ़ेंगे इस सीन को, प्लीज़ रीड द सीन बाई योरसेल्फ एज वेल, तो आपको खुद को रोना आ जाएगा, इज़न्ट इट। सो दैट्स इट गाइस, हैव अ गुड डे, बाय गाइज़।